क्योवीसी मेडिकल, गम्स मेडिकल, कतर मेडिकल, सोदिया मेडिकल, बहरीन मेडिकल, दुबई मेडिकल फिंगरप्रिंट की वजह से परेशान हो। आपको पता है आप पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट पहले मेडिकल में लगते हैं। अगर आपके फिंगरप्रिंट खत्म हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, फिंगर लग नहीं रहे, आज की वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपके फिंगर का मसला क्लियर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नअबुदु वइयाका नस्तईन। तो काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं कि हमारा जो मेडिकल है क्यूवीसी, गम्स मेडिकल, जीसीसी मेडिकल, उसमें फिंगर का मसला आ रहा है, तो हमारा ये फिंगर का मसला ही ख़त्म कर दें, क्या मसला आ रहा है। तो आज की वीडियो में अगर आप मुकम्मल वीडियो देख लेते हो तो आपके जो फिंगर प्रिंट ख़त्म हो चुके हैं वो रिकवर हो जाएंगे, वो वापिस आ जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। कट लगा होता है फिंगर के अंदर, वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोज आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। कोई भी सवाल है, हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, हम अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, हम वीडियो बना देंगे आपके सवाल पर। अगर वीडियो बनाने वाली हुई, अगर वही जवाब देना हुआ तो हम वही जवाब दे देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जी, फिंगरप्रिंट का मसला बहुत कॉमन है, ज़्यादातर लोग फिंगर में फंस जाते हैं और वो रिश्वत देने की कोशिश करते हैं क्यूवीसी, गम्स मेडिकल जो अस्पताल होते हैं, लेकिन उनका उधर रिश्वत में ही चलती है, ठीक है। उधर कैमरे लगे होते हैं, कैमरे एक्टिव होते हैं और देख रहे होते हैं। कतर में जो अथॉरिटी होती है या गम्स मेडिकल है, आप पैसे रिश्वत देकर मेडिकल नहीं करवा सकते। आपको अपनी बेस पर, अगर आप फिट हैं तो आप आए, वरना आप अनफिट हैं तो आप कतर, दुबई, सऊदीया, बहरीन नहीं आ सकते। फिंगर का मसला है आपका, समझ रहे हैं, फिंगर का मसला है। तो आपने इनको रिकवर करना है, इनको ठीक करना है। तो ये जो टिप्स मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप टिप्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, उन पर अमल करना है, आपके फिंगर प्रिंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे फिंगर देखें, फिंगर आपको नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल आपके फिंगर प्रिंट ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे आपके फिंगर का मसला था ही नहीं, समझ रहे। तो करना क्या आपने, सबसे पहले अगर आप सख्त काम करते हैं, कोई सीमेंट, बजरी, धूल मिट्टी या पानी का काम है, ज़्यादातर हाथ पानी में रहते हैं, कचरा है जैसे धूल मिट्टी, सीमेंट, बजरी, ये काम आपने छोड़ देने हैं मेडिकल से 15 या 1 महीना पहले, 1 महीना मैक्सिमम लगाएं, 1 महीना पहले आपने ये काम सब छोड़ देने हैं, छोड़ दिए। उसके बाद जो दूसरी टिप्स है, कोई भी क्रीम है, वैसलीन आप टूप ले लें, या कोई भी आपके घर में खुश्की वगैरह के लिए टूप होती है वो आपने अपने हाथों पर लगानी है, ठीक है। अच्छे से लगाने के बाद ये जो कट होते हैं, कट, इसमें आपने अपनी वैसलीन को भरने हैं, भरने के बाद जो डॉक्टरी ग्लव्स होते हैं वो अपने हाथों पर चढ़ा लेने हैं। उससे ये होगा कि आपके हाथ धूल मिट्टी पानी इन चीज़ों से बचे रहेंगे, समझ रहे हैं। और जब आप ग्लव्स को उतारेंगे तो आपके हाथों को पसीना आया होगा, हाथ गीले होंगे, तो इससे आपका जो फिंगर प्रिंट है वो बनेगा, वो ठीक होगा, वो रिकवर होगा, समझ रहे हैं। ये दो टिप्स आपको बता दी। उसके बाद जो नंबर 3 टिप है, वो आपने रात को सोने से पहले या मेडिकल करवाने से, आज आपका मेडिकल, मेडिकल जाने से आधा घंटा या घंटा पहले आपने फटकरी लेनी है, वाइट फटकरी, ठीक है। पानी में नीम गरम या फुल गरम करें, उसमें फटकरी को ऐड करें, 5 से 10 मिनट तक पानी को उबालें, अच्छे से पकाएं, पकाने के बाद चूल्हे से उतार के नीचे रख दें, रख दिया, फिर उसको पानी को आपने अच्छे से ठंडा करना है। जब इतना ठंडा और इतना गर्म हो कि आप जब हाथ को पानी में डालें, डिप करें, तो आपके हाथ जले ना, समझ रहे, हाथ जले ना। आप अच्छे से उनको 5 मिनट 10 मिनट, अगर टाइम ज़्यादा है तो 10 मिनट, अगर टाइम कम है तो मैक्सिमम 5 मिनट अच्छे से रात को डिप करें। करने के बाद उनको साफ नहीं करना, टिश्यू, किसी तौलिया, किसी कपड़े के साथ उन हाथों को ऐसे आपने सुखाने, अच्छे से ऐसे करके हवा लगाएं, ऐसे या पंखे के आगे, अगर सर्दी है तो सर्दियों में तो वैसे ही मौसम ठंडा होता है, ऐसे हाथों को हलाएं, वो सूख जाएंगे, ठीक है। वो फिर आपके हाथ एक
सख्त भी हो जाएंगे और फिंगरप्रिंट भी बनना शुरू हो जाएंगे। ये अगर टिप्स, अगर ये तीन टिप्स जो मैंने बताई हैं, पानी, बजरी, रेत, सीमेंट, ऐसा काम है तो छोड़ दें, अपने हाथों की जिल्द का ख्याल करें। और दूसरा, वेस्टलीन कोई भी ट्यूब है उसको लगाने के बाद ग्लव्स चढ़ा लें। और तीसरा जो मैंने फटकरी वाला बताया कि कैसे करना है, कितनी देर के लिए करना है, टाइम ज़्यादा है तो कितना करना है, समझ रहे हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी उन लोगों के लिए जिनके फिंगरप्रिंट ख़त्म हो चुके हैं, वो रिकवर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन तक लाजमी भेजें, शेयर करें। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।